तो यहाँ हमारा पोपट होता हुआ गाड़ी। हाँ जी मेरे सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। ते आज है 3rd of December, थर्ड ऑलमोस्ट टाइम 12:40 हो चुका है। ते यार अज मैंने दो तीन कम ने, ते पहला कम पे गंडे लेके आए, प्याज अनियंस वो लेके आने हैं, वो लेके आवेंगे। दूजा काम है कल है सैटरडे और कल है मेरा वाइवा, तो वो तैयारी करनी है वो करेंगे। तो होर थोड़े बहुत छोटे छोटे प्लान ने, शायद मूवी देखने जाना, तो मूवी देखने जाने वो यार पहले तो प्याज लेके आइए, चलो चलते हैं। तो यार आज जो प्लान था बाहर जाने का वो हो गया है कैंसल, तो आज का कोई प्लान नहीं है वापसी से, ये व्लॉग रैंडम है। तो रैंडमली हम तैयारी कर रहे थे अपने वाइवा की, इंटरनल वाइवा की इससे पहले, तो यार वो तो मतलब थोड़ा बहुत पढ़ लिया। तो अब खाते हैं यार खाना, और खाने में आज बना है अरे हाय हाय मटर पनीर, यार मजे आ जाए। A few moments later. So, यार खाना खा के मतलब एक घंटे की मस्त नैप ली, एक नहीं दो घंटे की, 3 बजे से ज़्यादा 5 बज गए और दर्द हो रही है बहुत ज़्यादा। 2 दिन हुए जिम जाते हो, हाथ सीधा भी नहीं हो रहा, फ़ोन भी नहीं पकड़ जा रहा वॉक करने के लिए। सबसे ज़्यादा मज़े पता किसके हैं, इसके हैं मेरे साथ सोई थी ये, मतलब 3 बजे और वहीं से कोई नहीं जगा रहा। तो यार अब पीते हैं चाय। और तो यार कल ट्राउज़र देके गए थे वो आज लेने हैं, वो उठा के जाऊँगा और उसके बाद देखते हैं जो भी होगा प्रोग्राम, और 2-3 छोटे छोटे काम हैं वो करने हैं। तो यहाँ हो चुका है हमारे पोपट, हमारे ट्राउजर ऑल्टर नहीं हुए, लूज नहीं हुए, तो अब मेरे को 2 दिन बाद वापसी आना पड़ेगा। तो यार 2-3 काम थे, कोरियर देके आना था, गुरुद्वारे जाना था, पेंट उठानी थी, वो सारे काम करके आ गए हैं। पर पेंटों के चक्कर में हमारा हो गया पोपट, क्योंकि पेंट है तो उसने ठीक अभी तक करी नहीं, तो अब 2-3 दिन बाद वापसी जाना पड़ेगा वहाँ पे। और द प्लान इज ऑन गाइस, हम जा रहे हैं वापसी करनाल, जो प्लान कैंसिल हो गया था। ये मेरे को जब भी आता हूँ मैं ऐसे ही करती हूँ, मेरे साथ ऐसा नहीं चलेगा अलवी, अलवी ऐसा नहीं चलेगा। तो ये है गौरव भैया, हेलो एवरीवन, हेलो व्लॉग। और ये मेरा भाई, और हम जा रहे हैं आज करनाल, तो चलते हैं यार। आ गया प्लान में थोड़ा चेंज, हम जा रहे हैं पहले गोलगप्पे खाने क्योंकि भूख लगी है बहुत ज्यादा। यहाँ हमारा पोपट होता हुआ, गाड़ी के टायर में हवा नहीं है, हम गाड़ी ले आए हैं। ये देखो ये हाय लिखा आ रहा है, हाय 49, और टायर की हवा ही नहीं है, पोपट हो गया गाइस। अब ये हमारे एक महारथी जा रहे हैं हवा भरवाने, तब तक हम कुछ खाते हैं। कैसे लगे
पानी ठीक था पर गोलगप्पे इतने मजेदार नहीं थे। हाँ पानी अच्छा था उनका, गोलगप्पे थोड़े से जैसे वो होते हैं ना मिक्स छिले से, क्रिस्पी नहीं थे इतने। ट्राई कर सकते हो करना चाहो, बाकी जैसी जिसकी मन की इच्छा। पानी तो अच्छा था, पानी दोनों अच्छे थे। मौसम पे भी डिपेंड करता है। हाँ मौसम पे भी डिपेंड करता है। रेडी का नाम था बॉम्बे चौपाटी और गुरुद्वारे के पास। प्लस पॉइंट था जो वो ये था कि हाइजीनिक थी, साफ सुथरी थी। हाँ साफ सुथरी थी, अपनी फैमिली के साथ बच्चों के साथ खा सकते। हाँ ये भी बात है, अगर तुम्हारे बच्चे हैं तो आ सकते हो। रस्ते में मोमोज खाते हुए करनाल जा रहे हैं। The Royal Paradise। टाइम क्या हो गया? टाइम क्या हो गया? 9 बजने वाले। 9 बज गए हैं और हम पहुंच गए द रॉयल पैराडाइज और यहाँ हम खाएंगे बर्गर और फ्राइज। गाइस आज हम खाएंगे बर्गर और फ्राइज। ये चलते हैं और ऑर्डर करते हैं यार। अपना अपने लिए तो मंगाए, वो दोनों तो चले गए हैं वॉशरूम। यार बर्गर बुर्गर खा लिया और स्वीट डिश हमने करा लिया पैक। अब हम वो गाड़ी में जाके खाएंगे क्योंकि टाइम नहीं था। और एक प्रो टिप, खाने के बाद मीठा जरूरी है, बातों में मीठा नहीं होना चाहिए। स्वाद भी 100 रुपए का। पानी में वापस आ गए हैं और अब हम खाएंगे रोटी। तो क्या अभी रोटी नहीं खाई हम, बस स्नैक्स खा के आ गए थे करनाल से। अब हम आए हैं अमृतसरी ढाबे पे, यहाँ पे हम खाएंगे रोटी। खाना खुना खा लिया है, पेट पूरा भर लिया है और जो बचा था वो हमने पैक भी करा लिया। और अब हम जा रहे हैं घर, रात के बज गए 11। तो यार अगर ये व्लॉग यहाँ तक देखा है तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो। साइनिंग आउट, पीस।